मैं तो पूजा के लिए तलवार बांट रहा हूँ, हिंसा के लिए तलवार नहीं बांट रहा हूँ। और एक तलवार 1250 रुपए की दे रहा हूँ, घर मंगा के दे रहा हूँ। आसाम में मंगाओ, बंगाल में मंगाओ, केरला में मंगाओ, तमिलनाडु मंगाओ, या दिल्ली में मंगाओ, या मथुरा में, मेरे गांव में ही मंगाइए। केवल एक मात्र 1250 रुपये, 1250 रुपये, मजबूत लोहे की बनी हुई हैं और 3.25 फुट लंबी हैं, 1.25 किलो का जो वजन है, और 100 साल तक भी कहीं नहीं जाने वाली है। पूजा के लिए मंगाएं। और यदि आप कहें कि हमें तो नरियल की बलि चढ़ानी है, तो धार भी चढ़ा के देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 500 रुपये का नारी सुरक्षा यंत्र है, जो माता बहनें अपने पास रख सकती हैं ऑफिस में कहीं भी। लाइसेंस दे रहे हैं हथियार का हम, जो तलवार का और जो कि नारी सुरक्षा यंत्र का। दूसरा, मैं तो एक बात कह रहा हूँ हिंदुओं से, देखो मर्द की पहचान होती है शस्त्र, राइफल का, रिवाल्वर का, दुनाली का, बंदूक का जो कि लाइसेंस बनवाइए। और यदि सरकार आपसे पास नहीं करती है, तो आप पूरी प्राथमिकता ऊपर तक कर दीजिए, चैन बना लीजिए, और DM के वहाँ से ठप्पा लगाना मेरा काम है। मैं हूँ संत युवराज, प्रमुख हिंदू सेना। सिख भाइयों के पास तलवार होती है, धार की होती है, कृपाण होती है, कटारी होती है, मुसलमानों के पास छुरे होते हैं, तो हिंदुओं के पास शस्त्र क्यों नहीं? ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जिससे जो बिगाड़ना हो बिगाड़िए। और जो हिंदू के घर में तलवार नहीं मिली, या राइफल, या जो कि बंदूक नहीं मिली, तो ध्यान रखना उस हिंदू का पिछवाड़ा भी हम कूटेंगे, ध्यान रखें, और उसे हिंदू होने का परमिट भी नहीं देंगे। हिंदुओं को डरने की ज़रूरत नहीं है, लाइसेंस दे रहा हूँ मैं, गृह मंत्रालय से रिसीविंग प्राप्त कर चुका हूँ, प्रधानमंत्री के वहाँ से रिसीविंग प्राप्त कर चुका हूँ, सबको मंगानी है। और बाल्मीकि समाज के लिए एक विशेष छूट है, औरों को 1250 रुपये की। यदि कोई बाल्मीकि समाज वो तलवार मंगाता है, तो उसे मात्र 800 रुपये की मिलेगी। आपका कोई बुकिंग राशि भी नहीं है, आप केवल पता लिखिए और बुकिंग कीजिए। संत युवराज का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें तलवार बांटने की बात कर रहे हैं। देखिए, इसके संबंध में जाँच कराई जा रही है, तथा जो भी सत्यता होगी वो कार्रवाई की जाएगी। संत युवराज काफ़ी दिन से दिल्ली में रह रहे हैं, यहाँ अगर उनका कोई मूवमेंट या कुछ होगा तो तत्काल ही विधिक कार्रवाई करेंगे। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।